हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल नॉलेज में। व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल, लेट्स कम टू नो दैट। जब किसी व्यक्ति को ये पूरी तरीके से आशंका हो कि पुलिस उसको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकती है, तो अपने आप को उस गिरफ्तारी से बचाने के लिए, बचने के लिए वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी कोर्ट में दे सकता है। एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में देते हैं। हाँ, कोर्ट बेल की अर्जी को कंसिडर करती है और पूरे अर्जी को एनालिसिस करने के बाद उस अर्जी पे, एंटीसिपेटरी बेल की अर्ज पे अपना ऑर्डर सुनाती है। या तो वो एंटीसिपेटरी बेल की अर्ज को खारिज करती है या तो फिर ग्रांट करती है। और अगर ग्रांट करती है तो उसमें कुछ कंडीशंस भी देती है, जैसे कि जिस व्यक्ति को वो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रही है उस व्यक्ति के ऊपर वो कंडीशन डालेगी कि जब भी पुलिस उसको पूछताछ करने के लिए बुलाए तो वो अपने आप को पुलिस के सामने उपलब्ध कराए। दूसरा, उस व्यक्ति पे ये कंडीशन डाली जाती है कि वो शहर, इंडिया या शहर छोड़कर ना जाए। साथ ही एक कंडीशन ये भी होती है कि जिस गुनाह के लिए उसको पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी या कर सकती है, उस गुनाह की सच्चाई को जो व्यक्ति जानता हो उस व्यक्ति को वो ना धमकाए ना फिर उसको डराए, ताकि वो व्यक्ति उस गुनाह की सच्चाई कोर्ट को या पुलिस को ना बताए। ऐसा जिस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ग्रांट कर रही है, ऐसी कंडीशन उस बंदे पर कोर्ट लगा सकती है कि जिस बंदे को इस गुनाह की सच्चाई पता हो उसे डराए धमकाए नहीं, ताकि वो कोर्ट में जाकर सच्चाई ना बताए। तो इस तरीके की कंडीशन कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते वक्त लगा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल की पूरी परिभाषा अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC में दी गई है। तो ये है एंटीसिपेटरी बेल। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।